नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ MIUI की कुछ दो अमेजिंग थीम्स। एंड चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं उन्हीं थीम्स के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सबने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो एंड साथ वाले घंटे को दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट थीम आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिल जाती है, ये है वो थीम। एंड काफ़ी ज़्यादा मिनिमल लुक आपके फ़ोन को प्रोवाइड कराती है ये थीम। आइकन्स भी काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है, साथ में वॉलपेपर भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे अदर चीज़ों के बारे में, लाइक जो क्या कह सकते हैं ये कंट्रोल सेंटर वगैरह, तो एक्चुअली ये एक MIUI 11 की थीम है। तो अगर हमें थीम्स पे चले जाएं एंड ये इस थीम का नाम है ब्लू OS वर्जन 11, तो ये MIUI 11 थीम है जो हम MIUI 12 भी सपोर्ट करती है। तो इसलिए मेरा यहाँ पे कंट्रोल सेंटर वगैरह चेंज नहीं हुआ, बट लॉक स्क्रीन इज चेंज एंड होम स्क्रीन जो कि मेन चीज़ है, तो इस टाइप का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर हम बात कर लें होम्स बाकी चीज़ों के बारे में, तो वहाँ पे सेम आपको देखने को मिलता है। तो अब हम सीधा चले जाते हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर। होम स्क्रीन हमने देख ली जो कि काफ़ी बढ़िया थी। एंड इस थीम को मैंने चूज इसलिए करा क्योंकि इसकी लॉक स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा ओपी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कुछ स्टेप के सारे टूगल्स देखने को मिलते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। ठीक है, साइड स्वाइप से कुछ नहीं होता, ना ऊपर नीचे स्वाइप से कुछ नहीं होता, बट एक मिनिमल और एक ऑर्गेनाइज लुक आपको इसमें देखने को मिलता है जो उसके यूज़र एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाता है। तो मेरे को यार ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ग्रेडिंग अलाइनमेंट सब कुछ एकदम परफेक्ट है विद क्लॉक विडजेट। ऊपर स्वाइप करिए, फोन अनलॉक हो जाएगा एंड हम आ गए होम स्क्रीन के ऊपर। तो कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, विडजेट से लेके लॉक स्क्रीन के ऊपर जितना भी कंटेंट है सब कुछ यहाँ पे अमेजिंग और मिनिमल है। तो ये हो गई आज की हमारी फर्स्ट थीम। एंड दोस्तों मुझे एक बात ये बताना कि आपको थोड़ा कैमरा क्वालिटी और साउंड क्वालिटी में क्या फ़र्क लग रहा है, क्योंकि मैंने फ़ोन यहाँ पे चेंज करा है जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता था, उसके बजाय मैं किसी और से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताना आपको कैमरा क्वालिटी पहले से बेटर लग रही है या फिर बेकार लग रही है, जैसी भी हो कमेंट में बता देना। अब यहाँ पे चलते हैं अपनी सेकंड थीम के ऊपर। तो जो सेकंड थीम है इसका नाम है डीप सी। एंड इस थीम का जो कंट्रोल सेंटर है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो यहाँ पे इसको हमने अप्लाई कर लिया है एंड होम स्क्रीन पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है जो कि कुछ ऐसी है। तो यहाँ पे आपके सामने आइकन्स कुछ इस टाइप के आते हैं, विडजेट कुछ इस टाइप का है। विडजेट अच्छा है बट आइकन्स इतने मेरे को यहाँ पे कुछ खास नहीं है, मज़ा नहीं आया। तो ये आपको आइकन्स इतने मज़े देखने को नहीं मिलते। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर लें यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के बारे में, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का देखने को मिलता है एंड यहाँ पे सर्कल से स्क्वायर कर दिया गया है इसको। बाकी अगर हम बात कर लें यहाँ पे सेटिंग्स मेन्यू के बारे में, तो वो आपको सेम देखने को मिलता है। एंड डायल मेन्यू का आपको डायल पैड को जिस टाइप का देखने को मिल जाता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में, तो लॉक स्क्रीन कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। एंड अगर आप इधर से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे जाके अपना नाम वगैरह डाल सकते हैं, अपनी फोटो लगा सकते हैं, अपना स्मार्ट कार्ड वगैरह, एंड इसको पूरी तरह से स्मार्ट असिस्टेंट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इधर टैप करेंगे तो म्यूज़िक वाला प्लेयर खुल जाएगा एंड ऊपर सेम विजेट है। एंड यहाँ पर टैप करने पर आपका कैमरा खुल जाएगा स्वाइप वाइप करने पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे स्वाइप करेंगे यहाँ से, तो ये आपके सामने कुछ इस टाइप का कंट्रोल सेंटर आ जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है एंड जिस थीम का फेवरेट पार्ट है मेरा। तो ये आपको जिस टाइप का देखने को मिलता है फुल फंक्शनैलिटी के साथ ये थीम आती है। तो भाई यही थी आज की वीडियो एंड आज की थीम्स। तो अगर आपको आज की वीडियो एंड आज की थीम्स पसंद आ गई हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इन थीम्स का आनंद उठा सकें। तो बस खत्म करते हैं आज की वीडियो को एंड मैं दोस्त नई वाली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।